My dear students, welcome to my YouTube channel Botany Biotech with Dr. Vinit Soni. Today we will discuss about the photosynthesis. आज केवल ये डिस्कस करूंगा, 6 मिनट के अंदर आपके सामने ये डिस्कस करूंगा कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आपको एमएससी लेवल में, बीएससी लेवल में, सीएसआर नेट के लिए क्या क्या पढ़ना है और किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है. तो बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में, फोटोसिंथेसिस में. तो देखिए सर, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन किया. तो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस रिसर्च. ऑलरेडी मैं इसके ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत डेप्थ में बना चुका हूँ और वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस रिसर्च. तो पहला टॉपिक हो गया हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस रिसर्च. दूसरा टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस. इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 वाटर एंड लाइट की प्रेजेंस में प्लांट बनाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं. कुछ इंट्रोडक्शन यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तीसरा जो है आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं और उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो CO2 लाइट और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तीसरा टॉपिक हो गया. चौथा टॉपिक हो गया ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे होता है, क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन में आपको पढ़ना है कि लाखों सालों पहले हाउ दिस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स वर इवॉल्व, किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई थी क्लोरोप्लास्ट की, यू शुड स्टडी अबाउट इट. ओके, आपको उसमें एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है. तो पहला हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा हमारा टॉपिक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, चौथा टॉपिक हो गया ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि प्लांट पिगमेंट्स के बारे में. प्लांट पिगमेंट्स जो होते हैं तो कई तरह के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी को आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना है क्योंकि ये मेजर लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स है जो कि लाइट को हार्वेस्ट करते हैं. इसके अलावा भी कई सारे एसेसरीज पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि एंथोसाइनिन, जैंथोफिल, इनके बारे में आपको पढ़ना है. तो प्लांट पिगमेंट्स में आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और एंथोसाइनिन के बारे में, चार के बारे में आप जरूर पढ़िएगा. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली 2010 के अंदर एक नई क्लोरोफिल की डिस्कवरी हुई, दैट इज नोन एज ए क्लोरोफिल एफ. क्लोरोफिल एफ प्रोफेसर मिन चैन ने उसको डिस्कवर किया था. आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे जो मेरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स इन फोटोसिंथेसिस रिसर्च के ऊपर जो मेरा यूट्यूब लेक्चर है उस पर. तो पांचवा टॉपिक हो गया प्लांट पिगमेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया. उसके बाद हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन थैलेकोड मेम्ब्रेन के अंदर होती है और थैलेकोड मेम्ब्रेन के अंदर जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है उसका स्ट्रक्चर देखना है. चार कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है. फोटोसिस्टम सेकंड, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड F1F0 पार्टिकल, मतलब ATP सिंथेटिस. ये जो चारों ये जो एपरेटस है फोटोसिंथेटिक एपरेटस, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, इसको आपको पढ़ना है. कैसे कैसे वाटर और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ये जो लाइट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर की प्रेजेंस में होता है और लाइट की प्रेजेंस में होता है और इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है और फाइनली स्ट्रोमा रीजन के अंदर NADPH2 और ATP का सिंथेसिस होता है. इसमें आपको केमी ऑस्मोटिक थ्योरी भी पढ़नी है जो पीटर मिशेल ने दी थी एंड फॉर दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1978 इन केमिस्ट्री. पीटर मिशेल, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, प्रोटोन पंपिंग थ्योरी आपको पढ़नी है इसके अंदर. तो लाइट रिएक्शन हो गया, लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर और CO2 की प्रेजेंस, वाटर और लाइट की प्रेजेंस में, वाटर और लाइट की प्रेजेंस में प्लांट ATP और NADPH2 बनाते हैं स्ट्रोमा में. इसके बाद आपको पढ़ना है कि तीसरा जो कंपोनेंट रह गया CO2, CO2 को यूज करके और इस ATP और NADPH2 को जो बनाया था लाइट रिएक्शन में, इनको यूज करके प्लांट कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाता है. तो प्लांट को कार्बोहाइड्रेट को बनाने का तरीका सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने दिया था और उन्होंने जो पाथवे दिया था कि ये पाथवे स्ट्रोमा में होता है और स्ट्रोमा में CO2 को यूज करके किस तरह से कार्बोहाइड्रेट को बनाया जाता है, तो इसको हम लोग CO2 फिक्सेशन पाथवे भी कहते हैं. सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने 1954 में इस पाथवे को प्रपोज किया था और उन्होंने रेडियो आइसोटोप C14 को यूज़ किया था, कार्बन C14 को यूज़ किया था. तो आप इसको केल्विन साइकिल को पूरा पढ़ना है कि किस तरह से ATP NADPH2 और एटमोस्फेरिक CO2 को यूज़ करके फिक्स किया जाता है. और उन्होंने बताया था कि इसमें रुबिस्को एंजाइम होता है और पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है पाथवे का वो PGA होता है, दैट इज़ द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और उसमें तीन कार्बन होते हैं इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं और मेल्विन केल्विन के ऑनर में इसको कहा जाता है, केल्विन साइकिल भी कहा जाता है. तो ये एक पाथवे डिस्कवर हुआ कि लाइट, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर और लाइट काम में आती है
तीसरा कंपोनेंट काम आता है डार्क रिएक्शन में, यानी केल्विन साइकिल में CO2 जो है वो काम आता है और प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ये तो होता है फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में और कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को बनाना। तो दो कंपोनेंट वाटर और लाइट तो लाइट रिएक्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन में काम आ जाते हैं, और एक जो बचा हुआ है CO2 उसको फिक्स किया जाता है डार्क रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा में होती है और वहाँ पे उसको। तो सबसे पहले 1954 में केल्विन ने दिया था और केल्विन ने को उसके लिए 1961 में नोबेल प्राइज मिलता है। अब हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि उसके बाद ये बात है 1954 की जिसके लिए उनको 1961 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो एक दो साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हैच एंड स्लैक, ये दो साइंटिस्ट जो थे ये GMS पे काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि केल्विन जो कह रहे हैं कि पहला प्रोडक्ट PGA बन रहा है, ऐसा नहीं था। उन्होंने देखा कि GMS में तो पहला प्रोडक्ट ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन रहा है जिसमें चार कार्बन है, बन तो कार्बोहाइड्रेट रहा है लेकिन बनाने का तरीका पाथवे कुछ अलग है। तो उन्होंने नए पाथवे की डिस्कवरी की और वो पाथवे कहलाता है क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जिसमें चार कार्बन होते हैं, इसलिए उसको C4 पाथवे नाम दिया गया और साइंटिस्ट के ऑनर में उसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है। तो हमें पहले C3 पाथवे यानी केल्विन साइकिल पढ़ना है और उसके बाद हमको पढ़ना है हैच एंड स्लैक पाथवे। एक तीसरा पाथवे और है CO2 फिक्सेशन का जो कि C4 की तरह ही है। याद रखिएगा जो C4 प्लांट है उसमें C3 प्लांट में तो की एंजाइम रूबिस्को है, C4 प्लांट में की एंजाइम है पेपकार्बोक्सिलेज, और एक ग्रुप और है दैट इज नोन एज ए कैम प्लांट्स। और C4 प्लांट्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पाथवे सेम ही है। अंतर बस इतना है कि ये जो प्लांट्स होते हैं कैम प्लांट्स होते हैं, क्रेजुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स जो होते हैं ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, रात को अपने स्टोमेटा खुलते हैं, दिन में अपने स्टोमेटा बंद करते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो अंतर C4 और कैम पाथवे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर बस इतना है कि रात को अपना मैलेट स्टोर करके रखते हैं और सुबह मैलेट को यूटिलाइज करते हैं। एंजाइम वही है, C4 में भी की एंजाइम है CO2 फिक्सिंग का पेप कार्बोक्सिलेज, और कैम के अंदर भी वही एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज CO2 फिक्सिंग का। अब देखिए, अब ये जो C4 पाथवे आप पढ़ रहे हो उसमें भी तीन तरह के C4 पाथवे आप पढ़ोगे। पहला होता है NADME स्पीसीज, दूसरा है NADPME स्पीसीज और तीसरा है एस्पार्टेट स्पीसीज। तो इसको भी आप पढ़ लेना, तीन तरह के C4 होते हैं, NADPME स्पीसीज, ME का मतलब मैलिक एंजाइम, NADPME स्पीसीज, दूसरा हो गया NADME स्पीसीज और तीसरा हो गया एस्पार्टेट स्पीसीज। इन तीनों को पढ़ना है आपको और फाइनली आपको कैम पढ़ना है। तो मैकेनिज्म में आपको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन तीन तरह की हो गई। पहला हो गया C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल, दूसरा हो गया C4 यानी कि C4 साइकिल इसका मतलब हैच एंड स्लैक, और तीसरा हो गया कैम का मतलब जो सकुलेंट प्लांट्स में होता है और वैसे ही होता है जैसे C4 में होता है, बस ये रात को अपने स्टोमेटा खुलते हैं और दिन में अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपकी पूरी हो गई। तो ये जो डार्क रिएक्शन में वर्ड बोल रहा हूँ ये गलत है, वास्तव में डार्क रिएक्शन का मतलब लाइट रिएक्शन तो एकदम सही है कि लाइट की प्रेजेंस में होगी, लेकिन डार्क रिएक्शन जो होती है ये कि डार्क में नहीं होती, ये लाइट में भी होती है। सो इसको डार्क रिएक्शन एक कंफ्यूजिंग वर्ड है लेकिन पॉपुलर वर्ड है इसलिए यूज़ करते हैं। डार्क रिएक्शन इज ए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट होगी तो भी होगी, नहीं होगी तो भी होगी। ये तो दिस इज द एक्यूरेट वर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो हमें इस और लास्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, लास्ट के अंदर हमें रिसेंट एडवांसेस पढ़ने हैं, रिसेंट एडवांसेस इन फोटोसिंथेसिस। तो ये टॉपिक्स हैं 5 मिनट में जो मैंने आपको बताया। वापस बता देता हूँ, पहला हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, दूसरा हो गया इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस, तीसरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, चौथा हो गया ऑरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पांचवा हो गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले हो गया लाइट रिएक्शन, दूसरे हो गए डार्क रिएक्शन तीन तरह की C3 C4 और कैम, और लास्ट में आपको पढ़ना है रिसेंट एडवांसेस इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के बाद में आपको प्लांट पिगमेंट्स भी पढ़ना है। तो आप इन टॉपिक्स को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस की तरफ रुझान भी बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस रिसर्च की तरफ रुझान बढ़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछिएगा किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस में। तो बस एक छोटा सा वीडियो था, आप इस वीडियो को देखकर अपने फोटोसिंथेसिस की और किताब कौन सी लेंगे, किताब आप या तो अच्छी वेबसाइट से आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए, या तेज एंड जैगर की बुक है, या सेलिसबरी एंड रॉस की बुक है, प्लांट फिजियोलॉजी की बुक है, बेस्ट बुक है ये, पूरी वर्ल्ड वाइड में चलती है बुक्स, सेलिसबरी एंड रॉस एंड तेज एंड जैगर की बुक है। इन दोनों बुक्स में से आप कोई भी बुक ले लीजिए दोनों में से, दोनों ही बहुत हाई क्वालिटी की बुक्स है। इसके अलावा बुक्स को पढ़िए, कोई क्वेश्चन आपको आता है YouTube मेरे इसमें नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन है आंसर आपको जरूर मिलेगा उसका, लेकिन पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, इस तरह से जुड़े रहिए ऐसे टॉपिक्स को। अब हम वन बाई वन एक एक करके जो इसमें से जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में जो भी हमने बात किया उसको लेने के चलेंगे, लेकिन आज मेरा ये था कि क्या पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में।
ओके सो थैंक यू वेरी मच.